गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आई कैन सी मैसेजेस दैट आशका कोटड़िया, आयुष भगवान भाई पटेल, पारस ठक्कर, समीर खान, काव्य परमार, शिवम प्रजापति, नील दीक्षित कुमार, कृषा परमार, अंश मिश्रा, तरुण वाला वाली आईडी से, एंड देन एस के शर्मा, श्रेया मुरदानी, जयान ब्रुजे, यू ऑल आर वेलकम एंड आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप सबकी तबीयत एकदम ठीक है, आप कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। प्रज्वल पटेल, देवव्रत सिंह महेड़ा, आप सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और घर में अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, राइट? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन। सी, अवर टुडे सेशन इज अबाउट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सुल्तान्स, राइट? तो एज यू ऑल नो दैट दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? नेशनल कैपिटल है दिल्ली और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, राइट? तो वो जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो सिर्फ आज से ही नहीं है, अराउंड 12th सेंचुरी से। अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, लेकिन अराउंड 12th सेंचुरी से, राइट? 900-800 ईयर्स पहले से ही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक है, राइट? तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्यों कैसे वो इतनी इम्पोर्टेंट सिटी बनी, क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट बनी, यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। आई होप यू ऑल हैव टेक्स्ट बुक एंड यू ऑल आर रेडी विद योर टेक्स्ट बुक। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी और आप टेक्स्ट बुक के साथ रेडी भी होंगे, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन। इन चैप्टर नंबर 2, आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 2, we saw that the regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdom. Did you notice that there were no mention of a kingdom with Delhi as its capital, right? तो अगर आपने चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो दिल्ली है वो कैपिटल थी या कैपिटल है ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है उस वहाँ पर। सो टेक अ लुक एट द टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 इज गिवन ऑन योर नेक्स्ट पेज। अगर आप नेक्स्ट पेज देखेंगे, I'll show you on the screen this one, table number 1. Right? अगर table number 1 को आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज आई, उसमें से तोमर थे, अनकपाल थे, then चौहान थे, then पृथ्वीराज चौहान उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नेम है, राइट? देन तर्किश लीडर आए, राइट? तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग लोगों ने दिल्ली पे राज किया, ये कह सकते हैं, या फिर दिल्ली को कैपिटल बनाने में मदद की, या फिर ये कह सकते हैं कि दिल्ली को कैपिटल बनाया। बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी अलग अलग राजाओं ने या फिर सभी अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग तरीके से दिल्ली को यूज़ किया। किसी ने लूटा है, किसी ने उसको बनाया है, किसी ने उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हैं, किसी ने उसमें डेवलपमेंट्स करवाए हैं, राइट? सो वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट, आप आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। सो टेक अ लुक एट द टेबल नंबर 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत, राइट? जो तोमर राजपूत है उनके अंडर में सबसे पहली बार जो दिल्ली है वो कैपिटल बनी। एंड हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय चौहान्स। तो जो अजमेर के जो चौहान्स थे उन्होंने क्या किया कि भई ये तोमर्स को हरा दिया, तोमर्स के साथ लड़ाई की और उनको हरा दिया और दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लिया और दिल्ली को उन्होंने भी कैपिटल बनाया। सो इट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्लीवल एंड अ वाइड सर्कुलेशन, राइट? ये डेलीवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉइन चलते थे उस समय में उसको डेलीवल कहते थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, तो प्लीज रिमेंबर इट, डेलीवल, राइट?
तो क्या होता था कि दिल्ली बिकेम अ कैपिटल सिटी एंड अ कॉमर्शियल सेंटर अंडर द तोमर राजपूत एज वी नो एंड चौहान्स ऑफ द अजमेर. सो इन द 13th सेंचुरी द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड दिल्ली हैज एज अ कैपिटल सिटी दैट वुड बिकम अ न्यूक्लियस ऑफ अ वास्ट किंगडम. क्यों दिल्ली कैपिटल क्यों? क्योंकि इट इट एक्ट एज अ न्यूक्लियस. वहाँ पे क्या था कि दिल्ली को, दिल्ली जो है वहाँ से पूरे ये जो एशिया है उसमें इंडिया में अलग अलग जगह पर जाने की दिल्ली से ही बहुत सारे रास्ते थे, और बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, राइट, जैन मर्चेंट्स थे, वहाँ पर रहते थे और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन करवाए हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर स्थापित किए थे, इवन कॉइन्स भी उस समय इंट्रोड्यूस हो गए थे 12th सेंचुरी में, राइट. तो इस वजह से दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट था और दिल्ली सेंटर था, वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस था, बहुत ट्रेड था, राइट. क्योंकि वहाँ से हर जगह जाने के अलग अलग रास्ते थे और हर जगह जाने के लिए वहाँ पे अलग अलग तरीके थे, तो उनके पास और बिजनेस भी बहुत था, इसलिए दिल्ली जो है वो हमेशा से ही कैपिटल रहा 12th सेंचुरी के बाद से, राइट. सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, राइट. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दिल्ली तो इम्पोर्टेंट था, सबको दिल्ली चाहिए था, सबको, जितने भी राजा आए सबको दिल्ली चाहिए था, और दिल्ली इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ट्रेड था और हर ट्रेड के लिए बहुत सारा ईज था, हर जगह जाने के लिए रास्ते वगैरह, ट्रेड के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए थी वो सारी उसमें मौजूद थी, राइट. तो इसलिए दिल्ली बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इसी वजह से 13th सेंचुरी में क्या हो गया कि जितने भी राजा थे वो दिल्ली में रह के ही, उनके जितने भी, उनका जितना भी राज्य था वो वहीं से ही वो कंट्रोल करने लग गए. सो टेक ए लुक एट द टेबल नंबर 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनास्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत, राइट. तो आप देखिए बहुत सारे, आप टेबल नंबर 1 में देखिए फिर से, राइट. पहले राजपूत डायनेस्टी आई, देन तुर्की रूलर आए, देन खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. So these were the dynasties which ruled over Delhi. अब देखिए आपके next page पे ये दिया ही हुआ है, and you can see it on your screen also. Right? So these were the dynasties. So let us see what is given in this map, right. So the Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map number 1, right. ये map number 1 just आपके left side में दिया हुआ है. इसमें आपको क्या क्या देखना है, आपको सबसे पहले you have to locate Delhi, right. So Delhi आई यहाँ पर है, you can see it, this is Delhi, and Kuhna, this is Kuhna. And Siri, here it is, and Jahanpana, here it is. So बहुत ये जो सिटी है, जो दिल्ली है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी, अलग अलग राजाओं ने डेवलप करी, अलग अलग राजाओं ने उसमें डेवलपमेंट्स लाए, राइट. तो ये सिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता गया, राइट. सो द रूलर्स ऑफ दिल्ली, ये जो टेबल है मैंने आपको थंबनेल में भी दिया हुआ था, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि आपको इसी टेबल, ये एक स्मार्ट चार्ट जैसा है, आपको छोटी सी जगह में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट, कि कब से कब तक किसका रूल रहा, राइट. सबसे पहले तोमर्स थे, देन अनंगपाल, देन चौहान, देन पृथ्वीराज चौहान, फिर तुर्किश रूलर्स आए उसमें से, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, देन रजिया, देन गियासुद्दीन बलबन, राइट. तो ये जो चारों नाम आपने पढ़े वो हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो चारों नाम में एक ही जो है वो नाम है वो फीमेल का है, रजिया. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज इट इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ओनली फीमेल रूलर रजिया वो बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है अपने आप में, क्योंकि देखो सभी अब तक के जितने भी रूलर्स थे सारे मेल थे, तो फर्स्ट रूलर और लास्ट कह सकते हैं जो रजिया सुल्ताना थी वो ओनली रूलर थी जो फीमेल थी, राइट. देन खिलजी डायनेस्टी आए, आपको पता ही है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, राइट. एंड उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, एंड देन सैयद डायनेस्टी दैट इज़ खिजर खान, एंड देन
लोदी डायनेस्टी, दैट इज भलूल लोदी, एंड आफ्टर दैट हम आगे उसको देखेंगे, राइट। तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, सो लुकिंग एट योर मैसेजेस, देवव्रत सिंह महिड़ा आप सर लिख रहे हैं, लेकिन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, राइट। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप सर ना कहकर सीधा टाइप कर लीजिए कि जो भी आपको क्वेश्चन है। ओके फाइन, बाकी की तो गुड मॉर्निंग, जो भी नए लोग जुड़े हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट। सो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, राइट, लेट अस सी। ऑल्दो द इंस्क्रिप्शन कॉइन्स आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एस्पेशली वैल्यूएबल्स आर हिस्ट्रीज, जिसको तारीख भी कहते हैं, तवारीख भी कहते हैं, तारीख इज ए सिंगुलर, हिस्ट्री का जो अरेबिक वर्ड है दैट इज तारीख, एंड प्लूरल मतलब हिस्ट्रीज अगर कहें तो तवारीख, रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, राइट। तो आप देखिए नीचे फोर स्टेजेस आपको दिए हुए हैं फिगर वन, तो उसमें आप देखिए फोर स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट, प्रिपेयरिंग अ पेपर, सबसे पहले पेपर बनाया जाता था, देन राइटिंग टेक्स्ट, देन मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एंड पैसेजेस, एंड प्रिपेयरिंग एंड बाइंडिंग, राइट। ये फोर स्टेजेस है हिस्ट्री लिखने के, राइट। सो ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया गया है। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नेड मैन, जो ऑथर्स हुआ करते थे वो लर्नेड मैन हुआ करते थे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स एंड कोर्टियर्स, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर on governance, emphasizing the importance of just rule, right? So the circle of justice dekhte hain, Fakhri Mudabbir wrote in 13th century, a king cannot survive without soldiers and soldiers cannot live without salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance, right? तो ये देखो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, right? जो राजा है वो सोल्जर के बिना नहीं रह सकता, right? The king cannot survive without soldiers, right? Soldiers cannot live without salary. अगर soldiers को salaries नहीं मिलेगी तो soldiers राजा के साथ खड़े नहीं रह पाएंगे, ठीक है? एंड सैलरी कहाँ से आएगी? सैलरी रेवेन्यू से आएगी। रेवेन्यू कहाँ से आएगी? रेवेन्यू पब्लिक से आएगी। और पब्लिक रेवेन्यू कब पे करेगा? जब पब्लिक टैक्सेस ये वगैरह कब देंगे? जब वो लोग प्रॉस्परस और हैप्पी होंगे, राइट। सो वो प्रॉस्परस एंड हैप्पी कब होंगे? जब उनके साथ जस्टिस होगा और जब उनके साथ ऑनेस्ट गवर्नेंस होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। दिस इज कॉल्ड अ सर्कल ऑफ जस्टिस। ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इम्पोर्टेंट भी बात है, राइट। तो हमेशा ये याद रखना कि राजा सोल्जर से है, सोल्जर सैलरी से है, सैलरी रेवेन्यू से है, एंड रेवेन्यू पब्लिक अगर हैप्पी और प्रॉस्परस है तो ही देंगी, और वो हैप्पी और प्रॉस्परस कब रहेंगे? जब उनके साथ जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस होगा। तो उनके साथ जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस करने की कौन करेगा? किंग करेंगे, राइट। किंग की जिम्मेदारी है कि उनके साथ जस्टिस हो और उनके साथ जो गवर्नेंस हो रही है वो ऑनेस्ट हो, राइट। तो ये वापस किंग उसी सर्कल में वो वापस घूमता जाएगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ जस्टिस, राइट। सो डू यू थिंक सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड हिज सब्जेक्ट? यस, राइट। सो यू मे बी थिंक नो, तो अगर आप नो थिंक करते हैं तो यू कैन राइट इन टू द चैट बॉक्स, राइट। अब देखिए, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन द सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, राइट। तो जो ऑथर्स थे, इनके लिखने वाले थे, वो सिटीज़ में ही रहते थे, राइट, और वो कभी बहुत कम मतलब विलेजेस में जाते थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, एंड दिस ऑथर एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, देयर आइडिया वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, राइट। तो ये देखिए ध्यान से, तो ये जो ऑथर्स थे, जो लिखने वाले थे, जो हिस्ट्री लिखने वाले थे, इनके बारे में क्या कहा गया है? इनके बारे में ये कहा गया कि देखो, एक तो पहले वो दिल्ली में रहते थे तो उनको सिर्फ सिटी का पता होता, वो कभी कभार ही विलेज में जाते थे, तो विलेज में क्या दुख दर्द है, विलेज के क्या है हालचाल, वो उनको पता ही नहीं होते थे।
दूसरा इनके बारे में लिखा गया है कि दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान्स, वो अपने राजा के लिए हिस्ट्री लिखते थे, मतलब राजा का अच्छा ही लिखेंगे, अगर बुरा लिखेंगे तो राजा तो उनको दंडित कर देगा, उनको पनिशमेंट दे देगा, राइट। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं कि अच्छा लिखेंगे राजा के बारे में, तो उनको वो रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उनको बहुत सारा इनाम मिलेगा, है ना। तो इसकी वजह से भी हिस्ट्री को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। एंड दिस ऑथर एडवाइज द रूलर टॉट टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, दैट आइडियाज़ वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी। और दूसरा क्या होता था कि ये जो यही लोग थे, ये जो वाइज पीपल थे, ये इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार था, यही राजा को एडवाइस करते थे कि भाई ऐसा करो वैसा करो। तो सारा जो राजा का काम है वो सारा जो इनके इर्द गिर्द इन्फ्लुएंस रहता था, मतलब ये जो कहते थे अगर सही तो सही, गलत तो गलत, राइट। सो इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, राइट। द क्रॉनिकल्स ऑफ द एज मिन्हाज सिराज रिकोगनाइज दैट शी हैज़ मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, राइट। तो वो जो थी रजिया सुल्तान जो थी, वो अपने सारे भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड थी और एबल भी थी रूल करने के लिए, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, राइट। लेकिन ये जो मिन्हाज सिराज है वो कंफर्टेबल है, मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि यार एक लेडी कैसे रूलर हो सकती है, राइट। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार लेडी रूल नहीं कर सकती, लेडी ये नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं। अभी भी हम बहुत सारी जगह पर ये देखते हैं, है ना, कि ये लड़कियों का काम नहीं है, ये लड़कियों के गेम नहीं है, ये लड़कियों का जैसे सपोज क्रिकेट खेलती है लड़कियां, तो उनको मना कर दिया जाता है कि भाई तुम ये तुम्हारा गेम नहीं है, तुम तो ये खेलो, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी नैरो माइंडेड थिंकिंगनेस अभी भी है मौजूद, तो उस समय में तो बहुत ही ज़्यादा थी। सो बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग हैविंग अ क्वीन एज ए रूलर। सो नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, राइट। तो क्योंकि बाकी लोग भी जो नोबल्स थे जो वहाँ के, और बाकी जो क्योंकि किंग अकेला कुछ नहीं होता है, उसके मंत्री वगैरह सब कुछ उसके साथ होते, तो ये सारे भी सहमत नहीं थे, इसलिए 1236 से लेकर 1240 तक ही वो रूल कर पाई और फिर उनको वहाँ से उतार दिया गया। देखिए आप ये टेबल नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो देखिए रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक ही वो अपना राज कर पाए, राइट, 4 साल। तो ये जो है बर्थ राइट क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल पीपल बिलीव दैट नोबल आर इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज, राइट। तो ये पहले की एक मान्यता है, राइट। ये इसमें क्या होता था कि हमने पहले भी पढ़ा है, आप जब 6th में थे तब तो आपने डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है कि क्या होता है कि भाई राजा का बेटा, राजा जो राजा होता है उसका बेटा आगे राज करता है, बिकॉज ऑफ इट इज हिज बर्थ राइट, जो उसको डायनेस्टी कहते हैं, राइट। सो प्रिविलेजेस केम, तो ये क्या था कि बहुत सारी मतलब जो नोबल्स थे उनके जो बच्चे थे वही आगे गवर्न करेंगे, यही एक रूल था उस समय में, राइट। और जेंडर डिस्टिंक्शन भी थे, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन, यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। और यही जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैन एंड वुमेन में, उन दोनों की बुद्धि में या फिर शक्ति में या फिर रूल करने में भी, एबिल रूल करने की एबिलिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस यही ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है यही देखकर हमेशा मैन को सुपीरियर माना जाता था वुमेन से, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स थे उस समय में, राइट। सो वॉट मिन्हाज सिराज थॉट अबाउट रजिया, मिन्हाज सिराज क्या सोचते थे, देखिए मिन्हाज सिराज थॉट दैट द क्वीन्स रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। वो क्या करते थे, भगवान का नाम ले लेते थे कि भाई ये जो आइडियल सोशल ऑर्डर जो भगवान ने बनाया है उसके खिलाफ है, इन विच वुमन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। वो क्या कहते हैं कि भाई जो भगवान है उन्होंने विमेन को मैन के सबॉर्डिनेट की तरीके से रखा हुआ है, राइट।
उनको मैन को सपोर्ट करना है, ना कि मैन से आगे जाना है, ना कि मैन को रूल करना है, ऐसा नहीं करना है उनको. ही देयर फॉर आस्ट इन द रजिस्टर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, राइट? तो अगर ये मैन है ही नहीं तो वो कैसे रूल कर सकती है, ये सारी जो क्वालिटीज़ है जो कैसे गेन कर सकते, तो वो उसके लायक ही नहीं है, राइट? सो ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट सी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश. दिस वॉज इन द कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रम्मा देवी 1262 टू 1289 ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, राइट? तो उनके इंस्क्रिप्शन में कॉइन्स ऑफ रजब मेंशन दैट सी वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, राइट? वो उनकी बेटी थी. और ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था, रुद्रम्मा देवी जो काकतीय डायनेस्टी की थी उससे बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट में था, राइट? रुद्रम्मा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन दैट प्रिटेंड सी वॉज अ मैन. क्योंकि देखो रुद्रम्मा देवी के वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम्स थे जो कि भाई एक लेडी कैसे रूल कर सकती है. तो वो क्या, रुद्रम्मा देवी अगर आपको पता है तो वो क्या करती थी, वो उनका जो उनको जब बड़ा किया गया तो लोगों को बताया ही नहीं गया कि वो लड़की है, बताया गया कि ये लड़का ही है, और उनको लड़के की तरह ही बड़ा किया गया, राइट? एंड देन प्रिटेंडेड दैट शी वॉज अ मैन. अनदर क्वीन दिद द रूल्ड इन कश्मीर 982-1003. हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी, राइट? ये दीदा जो है वो टाइटल कहाँ से आया, दीदी वर्ड से, और एल्डर सिस्टर, एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट, राइट? तो ये एक अफेक्शनेट टर्म है, राइट? ये दीदी अभी भी एक रूलर है जिसका नाम, जिसको हम दीदी कहते हैं प्यार से, अभी भी हमारे देश के पॉलिटिक्स में एक रूलर है जिसको हम दीदी कहते हैं, राइट? डू यू नो हर नेम? आपको उसका नाम उनका नाम पता है? वो अभी अभी एक बहुत ही एक बड़ा इलेक्शन जीती है जिसको हम दीदी कहते हैं. डू यू नो हर नेम? इफ यू नो हर नेम राइट इन टू द चैट बॉक्स, वी विल टॉक अबाउट हर लेटर, राइट? उनको भी हम दीदी कहते हैं. दीदी आपको पता ही है, दीदी वर्ड है जो हम यूज करते हैं एल्डर सिस्टर के लिए, राइट? तो ये जो क्वीन थी कश्मीर की दीदा, उनका भी नाम दीदी से ही लिया गया है, राइट? उसका मतलब होता है अफेक्शनेट टर्म, मतलब जो हम बड़ी बहन को अच्छे प्यार से कहते हैं. वेरी गुड, प्रयोषा ने आंसर दिया है दैट ममता दीदी, वेरी गुड ममता, राइट? तो आपको पता ही है कि बंगाल का इलेक्शन जीते हैं नील दीक्षित कुमार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ममता बनर्जी, वेरी गुड जेहान, वेरी गुड. तो उनको भी लोग प्यार से दीदी कहते हैं, राइट? तो ये जो रूलर थी 980 से लेके 1003 तक, 980 से लेके 1003 तक रूलर थी, उनको भी दिद्दा कहते थे, दिद्दा. और वो जो टर्म है वो भी दीदी से लिया गया है, राइट? अंश मिश्रा, वेरी गुड वेरी गुड. प्रयोषा, ओके, प्रयोषा वाले आईडी से देवेश है, वेरी गुड देवेश. देन शिवम प्रजापति, वेरी गुड. नील दीक्षित कुमार, वेरी गुड. मेघा, वेरी गुड. आप सबके आंसर्स करेक्ट है. ममता दीदी, ममता बनर्जी, करेक्ट करेक्ट आंसर है, राइट? तो यही है. तो ये आज भी नहीं, बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि भाई लेडी कैन नॉट बी अ रूलर, राइट? तो आज तो ठीक है, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हमारे थॉट्स काफ़ी वाइड हुए हैं, राइट? वेरी गुड देवर्श्री, वेरी गुड. सो एक्सप्रेस मिन्हाज आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स. डू यू थिंक रजिया शेयर दिज आइडियाज? वाई डू यू थिंक इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अ वूमन टू बी अ रूलर, राइट? दिस विल टॉक अबाउट इट लेटर, जब हम एक गूगल मीट वाली क्लास करेंगे तब हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे, राइट? सो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपांसन ऑफ डेली सल्तनत, राइट? ये देखिए एक मैप दिया गया है आपको, नेक्स्ट पेज पर है. वेरी गुड वेरी गुड. ये जितने भी लोग प्रज्वल पटेल एंड हेतल पटेल वाली आईडी से, जितने भी लोगों ने ममता बनर्जी आंसर दिया है, सबके आंसर्स करेक्ट है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, राइट? सो दिस लुक एट दिस मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश, राइट? ये जो इल्तुतमिश था उसके जो राज्य था, अब देखिए मेजर सिटीज आपको दिया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. राजस्थान का अभी का जो अजमेर है, रणथंभौर, ग्वालियर, राइट? एमपी और के कुछ हिस्से, कुछ यूपी के हिस्से, और ऊपर पंजाब के, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई. देखिए दिल्ली के आसपास आप देखिए पूरा उसने कवर किया हुआ है, राइट? जो द एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिसंस.
The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder for supplies. Right? Hinterland kya hota hai? The land adjacent to the city or port that supply it with goods and services. Right? तो यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई जो जो राजा थे वो निर्भर थे, किस पे निर्भर थे, वो लोग ट्रेड पे निर्भर थे, जो बिजनेस उनके राज्य में होता है. ट्रिब्यूट्स अब ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, ट्रिब्यूट क्या होता है कि मतलब जो लोगों से उनको मिलता है गिफ्ट में या फिर प्लंडर फॉर सप्लाई. राइट. सो कंट्रोलिंग गैरिजन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अब क्या हो रहा था कि दिल्ली से बहुत सारी चीज़ें आसान थी लेकिन कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट भी थी कि बंगाल और सिंध में जो गैरिसन टाउन थे वहाँ से कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था. और रिबेलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स. और ये जो रिबेलियन मतलब जो रिबेल करते हैं, जो विरोध करते हैं, उनका फिर वॉर और बैड वेदर, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या कम्युनिकेशन का जो रूट था वो भी बार बार मतलब अच्छा बुरा अच्छा बुरा वैसे चलता रहता था. राइट. सो दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाई मंगोल इन्वेंशन एंड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाई गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस. राइट. तो ये जो है दिल्ली अथॉरिटी हमेशा चैलेंज से होती रही, एक तो मंगोल से और दूसरे जो उनके ही अंदर के जो रिबेलियंस थे उनसे भी. राइट. जो उनके अंदर के रिबेलियंस थे वो सुल्तान की वीकनेस को भी जान, सुल्तान मतलब किंग होता है. राइट. राजा. सो द सुल्तनत बैरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस. इट कॉन्सोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपांशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. राइट. तो ये जो चीज़ें आप देखिए दिल्ली का अगर आप टेबल नंबर वन ध्यान से देखेंगे ना, क्योंकि वो सबको चाहिए तो बार बार उस पर हमले होते रहे, बार बार लोग लड़ते रहे उसके बारे में. सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अगर वहाँ पे रूल किया है राइट, तो राजपूत अराउंड ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो लोग 500 ईयर्स से वहीं पे थे. राइट. लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए तुर्किश आए राइट 1206 से 90 ईयर्स में, उसमें उनके चार लोग बदल लिए गए. राइट. उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई जो 90 से 20 तक मतलब 30 ईयर्स अराउंड रही और उसमें भी उनके दो राजा रहे. उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई राइट जो अराउंड 100 ईयर्स रही और उसमें भी उनके तीन राजा रहे. राइट. तो ये जो है फटाफट वहाँ पे लड़ाई होती गई, लड़ाई के बाद दूसरे लोग आते गए और दिल्ली जो है वो कभी भी शांति से नहीं, कोई भी शांति से वहाँ पे रूल नहीं कर पाए. अब देखिए सब लोग यही मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करते गए, चाहे वो एक्सपांशन का हो या आपका डेवलपमेंट का हो या लोगों से बचाने का हो, हमेशा वहाँ पे रहा क्योंकि वो सबको चाहिए. वो जो दिल्ली जो जगह है दैट इज दैट वाज सो इम्पोर्टेंट. राइट. सो एवरीबडी वांटेड दिल्ली. द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन. During this campaign, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. Right? तो ये जो internal frontier था तो वो क्या करते थे कि वो consolidate hinterland of the garrison town. So during this campaign what they does, they did clear the Ganga Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists are expelled from their हैबिटेट. वहाँ से उन्होंने उनको निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया. राइट. कुछ लोग तो अभी ज्वाइन हो रहे हैं. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. ओके, लेट इज मूव अहेड. सो दिस लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज. राइट. तो ये जो लैंड है जो खाली करवाई गई, जो जहाँ से ये डिफॉरेस्ट करवाया गया, जहाँ से वो झाड़ जंकर हटवा के, तो वहाँ पे पीजेंट्स को दी गई एग्रीकल्चर के लिए और वहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया. राइट. And then new fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and promote regional trade. और यहाँ पर क्या हो गया कि नए नए fortresses बनाए गए, garrison towns बनाए गए, मतलब चारों तरफ से covered वाले, क्योंकि वो protect कर सके trade routes को और जो regional trade है उनको भी वो promote कर सके. Right? The second expansion occurred
अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। दूसरा एक्सपांसन कहाँ हुआ, वो एक्सटर्नल, पहले इंटरनल फ्रंटियर था, अब ये एक्सटर्नल फ्रंटियर है, राइट। सो द सेकेंड एक्सपांसन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, मिलिट्री एक्सपेक्टेशन इन टू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, सी मैप नंबर 3, राइट। सो एंड कल्मिनेटेड विथ मोहम्मद तुगलक इन द कैंपेन, सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल्स, राइट। बाई द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन 150 ईयर्स आफ्टर समवॉट हम्बल बिगिनिंग्स, द आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज, द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सीज फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियल्म, बट हाउ कम्प्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच वास्ट टेरिटरी, राइट। ये देखिए मैप नंबर 3 देखिए यहाँ पर, जिसमें आपको क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड द मोहम्मद तुगलक, राइट। ये देखिए रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन टू साउथ इंडिया, मतलब उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने धीरे धीरे साउथ इंडिया को कवर करना शुरू कर दिया था, राइट। ये देखिए बहुत अलग अलग जगह पर, गुजरात, चित्तौड़, रणथंबोर, राइट, एंड देन देवागिरी या यादवास, राइट, वो एकदम साउथ इंडिया तंजावुर तक वो पहुंच चुका था, राइट। तो दिस इज द मैप, आप देखिए ध्यान से, और मैप के साथ साथ में आपको ईयर भी दिया गया है, वो जो लाइंस हैं उसमें ईयर्स भी दिए गए, उसको भी आप ध्यान से देखें, राइट। ये सारी चीज़ें हम एक क्या कहते हैं पावर पॉइंट से, जब भी हम गूगल मीट से, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक आता जा रहा है और आपको थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट महसूस हो रहा है, बट डोंट वरी, इसको बहुत ही ईजी तरीके से हम समझ लेंगे, फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, एक स्टोरी की तरह हो जाएगा। और ये अलाउद्दीन खिलजी, अब शायद अब मूवीज़ वगैरह में भी इसके बारे में आपने देखा सुना होगा, राइट। तो उसमें सभी कुछ तो सच नहीं होता है मूवीज़ में, लेकिन कुछ चीज़ें आप इससे रिलेट भी कर सकते हो, राइट। सो लेट अस मूव ऑन, फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 2 है कुवतल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारे, बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, दिस वॉज द कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी, बट द दिल्ली सुल्तान डिस्क्राइब्ड इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली कुन्हा द ओल्ड सिटी, राइट। द मॉस्क वॉज एनलार्ज बाई इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी, द मीनार वॉज बिल्ट बाई 2 सुल्तान, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। द मस्जिद, मस्जिद का मतलब आपको पता ही है, मॉस्क, राइट। सो द मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, लिटरली अ प्लेस वेर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवरेंस टू अल्लाह। इन अ कॉन्ग्रीग्रेशनल मॉस्क, मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर, जिसको हम नमाज कहते हैं, टुगेदर मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रीग्रेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नर मेल एज देयर लीडर, राइट। जो जो मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नर मेल होता है उसको वो लीडर चूज करते हैं, जिसको इमाम कहते हैं, फॉर देयर रिचुअल्स ऑफ प्रेयर। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन, दैट इज खुतबा, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का इन इंडिया, दिस इज टू
Okay. There was some problem, I think, related to. मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क इश्यू था कोई. आई एम ट्राइंग टू फिक्सिंग इट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर एंड नाउ यू कैन सी मी, राइट? आई होप, इज़ इट ओके फॉर यू नाउ? यू कैन राइट येस इफ इट इज़ ओके. इफ इट इज़ ओके यू कैन राइट येस. राइट येस इन टू द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी मी. येस, ओके, वेरी गुड देवेश. ओके, थैंक यू वेरी मच देवेश. ओके, सो आई कैन सी सम क्वेश्चंस. आई थिंक देवव्रत सिंह ने पूछा है कि सर पेस्टोरलिस्ट क्या होता है. तो पेस्टोरलिस्ट मतलब जो शीप और कैटल फार्मर होते हैं ना, जो शीप्स रखते हैं या फिर एनिमल्स रखते हैं, उनको पेस्टोरलिस्ट कहते हैं, राइट? या फिर यहाँ पर क्या है कि जो राइटर होते हैं, मतलब पेस्टोरल, राइट, उनको पेस्टोरलिस्ट कहते हैं, राइट? तो शायद वो पहले पूछा होगा उन्होंने क्वेश्चन. ओके, फाइन. तो जो एनिमल रखने वाले लोगों को कहते हैं. देवव्रत जी, आई होप योर क्वेश्चन इज, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट? सो लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, राइट? जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मक्का की तरफ फेस रख के उनकी प्रेयर्स करते हैं, राइट? इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, और ये भारत में वेस्ट की तरफ वो लोग मुंह करके ये करेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड द किबला, इसको कहेंगे किबला, राइट? तो ये फिगर नंबर 3 अगर आप देखेंगे, बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन रेन ऑफ द मोहम्मद बिन मोहम्मद तुगलक एंड वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहापना, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड. जहापना का मतलब है द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, दिस हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली. सी मैप नंबर 1, ये देखिए, राइट? सो द दिल्ली सुल्तान सेवरल मॉस्क इन द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन द सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. दिस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, राइट? तो ये जो दिल्ली सुल्तान है, उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें दिल्ली में और सब कॉन्टिनेंट अलग अलग जगह पर बनवाई, और ये दर्शाता है, दिस डेमोन्स्ट्रेट वॉट दैट क्लेम्स टू बी, वो क्या क्लेम करते हैं, दैट दे आर प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम. मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट. It was necessary to reinforce this idea of community because Muslim came from a variety of backgrounds, right? तो ये जो मॉस्क है वो दूसरा क्या काम करती थी कि वो एक कम्युनिटी की बिलीफ पैदा करती थी लोगों में, राइट? और ये बहुत ज़रूरी था, राइट? देन फिगर नंबर 4 अगर आप देखेंगे, ये दिस वन, ये वाली फिगर, आई डोंट नो वाई, यहाँ पे देखिए आप फिगर नंबर 4 जस्ट दिख रही है, मौत की मस्जिद दैट इज बिल्ड इन द रेन ऑफ सिकंदर लोडी बाय हिज मिनिस्टर. तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स है, मस्जिद बनाई गई है, जो ज़्यादातर देखिए, मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520, राइट? तो ये सारी जो मस्जिदें बनाई गई है, राइट, तो ये सारी मस्जिदें फर्स्ट ये क्लेम करती है, ये दिखाती है कि वो लोग इस्लाम के प्रोटेक्टर हैं, और वो जो और दूसरा कि ये कम्युनिटी में एक बिलीफ पैदा करती है, दैट इज सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, राइट? तो ये एक नेसेसरी चीज़ें थी जो वो लोग समझते थे कि वो लोग ये करें, राइट? सो हियर विल एंड अवर टुडे सेशन. आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे. कल का सेशन हम सेम इसी टाइम को 10 o'clock को स्टार्ट करेंगे, और इसी चैप्टर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो आई होप के यू आर एंजॉइंग दिस सेशन. आप ये जो सेशन हैं, ऑनलाइन सेशन, वो एंजॉय कर रहे हैं.
कल इसी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे और नई चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा और इसको। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है सभी की, राइट? सभी की, इन द सेंस कि ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, दैट कुतुबुद्दीन ऐबक और रज़िया सुल्ताना, ये सब की, हम सब की स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे, सब की चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, राइट? और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग दिस सेशंस, राइट? एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि